नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन अकेडमी 6 में। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के इस क्लास नंबर 14 की। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज सुबह के 11 बजे ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश किया जाता है, और अभी दो दिन से ये वीडियो नहीं आ रहे थे। कारण क्या है कि नेट ही यहाँ काम नहीं कर रहा यार, ठीक है, मैं आपको वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये वीडियो तो बना के काफी टाइम से एक दो वीडियो और रखे हुए हैं, लेकिन पब्लिश ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इंटरनेट और यूट्यूब दोनों का ही प्रॉब्लम चल रहा है। खैर, ये बातें किनारे करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को मिलता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है नंबर सिस्टम में। तो 13 क्लास दे चुका था मैं अभी तक आपको, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पे बना दिया है, जाके सारी क्लासेस एक एक करके देख सकते हैं। एक छात्र ने मुझे मैसेज किया कि भैया आप जो विभाजिकता के नियम के जो सिनारियो बनाए हैं वो सिनारियो में आपने 7 का नहीं बताया। मैंने 7 का बिल्कुल छोड़ा है, वहां पे बहुत सही देखा उन लोगों ने, तो 7 का छोड़ा था। उसके बाद बोला कि भैया अगर 11 तक तो बताया था मैंने, अगर 13 या फिर 17 या फिर 19 या फिर 23 जैसी संख्याओं से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कैसे विभाजित होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। क्योंकि बहुत कम जो लोग हैं जो कि YouTube पे ऐसा वीडियो बना के रखे हैं या फिर दिए भी हैं या फिर हमें पढ़ाया भी गया है, तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा यहाँ पे उसके मैसेज को उन छात्रों के, तो ये वीडियो बना रहा हूं। और ये क्लास नंबर 14 है आपका, और इसमें हम लोग यही देखेंगे आज कि विभाजिकता के नियम। जी हाँ, फिर से जो चैप्टर है विभाजिकता का नियम यहाँ पे देखेंगे। और ये अलग अलग जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे कि 7, 13, जो कि हम लोगों 9 देख लिया था, 11 भी देख लिया था, 12 तो आपको पता है, ठीक है, उससे कैसे डिविजिबल होगा वो सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। 7, 13, 17, 19, 23 या फिर अप टू ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जो कि खुद से ही डिविजिबल होती है, तो उनके क्या नियम होंगे, चलिए आज हम लोग ये पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले 7 के, जी हाँ, यानी कि 7 से विभाजिकता के नियम, ठीक है। यानी कि कोई संख्या, मान लीजिए कि एक संख्या है 3983, है ना, ये संख्या क्या 7 से डिविजिबल है पूर्णतः? पूर्णतः यानी कि संपूर्ण विभाजित होनी चाहिए, कोई शेष यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या यह संख्या 7 से विभाजित होती है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल, आप इसको 7 से भाग देना शुरू कर देंगे और देखेंगे कोई शेष बच रहा है तो ठीक है, नहीं बच रहा है तो ये पूर्णतः विभाजित है, यही करेंगे ना। तो इतना करने का नियम भाई बहुत लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में ऐसा करना ही नहीं है। हमें चलना है, कुछ बेसिक मेथड सिखाऊंगा आपको और कुछ उसके बाद ट्रिक बता दूंगा, तो आपको ट्रिक पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज, अगर संख्या आपका सिंगल डिजिट में है, देखिए 7 का बता रहा हूं मैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या करना, सबसे पहले इसको हम लोग देखिए 7 से अगर 1 का गुना करेंगे तो 7 आएगा, ये सिंगल डिजिट में ही रहेगा यानी कि इकाई अंक में ही रहेगा। इसका अंक हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप बाई मैं बता दे रहा हूं, अब चीजें कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये। इसको क्या किया मैंने, 14 कर दिया यहां पे। अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास 2 संख्याएं मिल गई, 1 और 4। अब जो 4 है हमारा ये इकाई अंक है, ठीक है। अब यही समझिएगा, किसी भी संख्या का, ये किसी भी संख्या का विभाजिकता का नियम आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं, बस इसको समझ लीजिएगा, है ना, चुटकियों में सारा सवाल बनेगा एक एक करके, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 को अगर हम लोग एक ऐसी संख्या से गुना करें यानी कि x कर देते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो संख्या आएगा वो क्या 7 से विभाजित होगा? अगर होगा तो ये जो संख्या है ये उससे पूरा पूर्णतः विभाजित कर देगा। देखिएगा कैसे, 0 रखा मैंने यहां पे, सपोज x की जगह 0 रखा, तो 4 का 0 से गुना 0 हो जाएगा और 1, तो भाई 1 को 7 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, आप 1 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ शेष बच ही जाएगा, ओके। चलिए, 4 को अगर हम लोग x की जगह 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 को भी 7 से विभाजित नहीं किया जा सकता। छोटी संख्या में ज्ञात करना है ऐसी जो कि हमें पता लग सके कि अगर ये जो संख्या आ रही है ना, जो संख्या हम यहां रख रहे हैं उस संख्या से इसको हम लोग देखिए कैसे इसका ट्रिक निकालेंगे। क्वेश्चन आगे देखेंगे कि 4 को 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखा मैंने, तो ये 4 गुना 8 है 9,
9 भी विभाजित नहीं है, ध्यान दीजिएगा 9 भी 7 से विभाजित नहीं है। आगे चलते हैं, 4 गुना 3 रखा हमने, 4 गुना 3 रखा हमने, ठीक है, यहां पे आया 1, 4 3 12 और 1 13, ये भी आपका 7 से विभाजित नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। 4 गुना 4 करा 1 करा, तो 4 चौका 16 और 1 17, ये भी भाई हमारा 7 से डिविजिबल वाला अंक नहीं है। 1 किया मैंने 4 गुना 5 जोड़ 1, यानी कि ये आया 4 5 20 और 1 21, यानी कि 7 से 21 तो डिवाइड होगा, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा सर। तो देखिए ये जो 5 संख्या है, इस संख्या से हम लोग ट्रिक बनाएंगे, देखिएगा एक मिनट, ये देखिएगा यहां पे, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था कि क्या ये संख्या हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें मिला कि 5 पे जाके हमें ये डिविजिबल वाला ट्रिक मिला, तो हम क्या करेंगे, ये 3 है भाई, ठीक है, इस 3 में, इस इकाई अंक में क्या करेंगे, तो 5 का गुना करेंगे, आया हमारे पास 15, तो 15 जो है इसको छोड़ के यहां पे इसको छोड़ दीजिए और 15 को यहां पे आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, दो नियम है इसके, 7 वाला बनाने का दो नियम है, एक ये पहले बता रहा हूं, ये ट्रिक है, अब यहां पे ट्रिक चल रहा है, ये बेसिक हम लोग समझ गए यहां पे, ठीक है, यहां पे देखिएगा 8 5 13 9 1 10 और 1 11 3 और 1 4, 413, अभी भी हमें नहीं पता चल रहा कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, फिर से एक बार हमने इसके इकाई अंक में 5 से गुना कर दिया, तो हमें आया 15, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और यहां पे 15 ऐड कर देंगे, 5 1 6 4 1 5, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 56 जो है वो 7 से तो डिवाइड होगा, 7 8 56, तो हमारा जो जहां पे निकला यहां पे कि ये जो पूरा संख्या है ये 3983, ये 7 से डिविजिबल है, क्या है ये 7 से भाज्य होगा, यानी कि 7 से इसको विभाजित कर सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा 7 का एक नियम है विभाजित करने का। अब देखिएगा एक ऐसा ही नहीं है, एक नियम और है यहां पे, अगर यहां पे x की वैल्यू जो है माइनस में रखें, तो 0 तो छोड़िए हटा दीजिए, x की वैल्यू हमने यहां पे -1 रखा, तो 4 गुने -1 जोड़ 1 कितना आएगा, ये तो -4 और +1 कितना, तो -3 आया सर, ये 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। इसके बाद यहां पे चलते हैं, 4 गुना -2 रखा हमने और +1, तो 4 गुना 8, -8 में से 1 जाएगा, -8 में से 1 जाएगा तो 7, अरे ये क्या, यहां तो हमने देखा कि -2 वाला वैल्यू जो है यहां पे 7 आ रहा है और ये -7 तो 7 से डिविजिबल है, जी हाँ पूर्णतः -1 आएगा, ठीक है, इसका जो काटने पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर -2 यहां पे घटाते जाएंगे तो भी देखिएगा हमें बता देगा कि ये संख्या डिविजिबल है या नहीं है। सपोज इस ट्रिक से भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसका मतलब है कि आप इस ट्रिक से भी बना सकते हैं कि क्या करना है, पहले 5 से गुना करना है और उसका जो गुणनफल आएगा उसको ऐड कर देना है, और ऐसी तब तक करना है जब तक आपको पता नहीं चल जाए कि वो संख्या 7 से कट रही है नहीं कट रही है। तो यहां पे देखिएगा दो वाला नियम क्या है, ठीक है ना, दो वाला नियम क्या है, तो यहां पर क्या करेंगे, -2 से गुना करेंगे, तो ये आया 6 -6, तो -6 यहां पर कर देंगे, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 3, अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है, फिर से एक बार -2 से गुना कर दीजिए, -2 से हमने क्या किया, गुना कर रहे हैं हम लोग, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये आया -4, तो -4 यहां लिखेंगे एक को छोड़ के, तो 9 में से 4 गया 5 3, ठीक है, ये 35, तो हमने देखा कि 7 से तो डिविजिबल, यानी कि संख्या जो है आपका 7 से विभाजित होगा, ये हमारे 7 के नियम है। कहां पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम बुझाता है यहां पे तो आपको, ठीक है, और ये शायद दूसरा नियम कहीं नहीं बताया गया होगा आपको और ये यहां पे बताया गया आपको, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि 5 से गुणनफल करके उसको ऐड करना है और यहां पे -2 वाला भी नियम आपको याद रखना है, यानी कि 7 से विभाजिकता के दो नियम, दो ट्रिक है यहां पे, एक क्या तो 5 से गुना करके उसको ऐड करना है और एक 2 से गुना करके उसको घटाना है, ठीक है, एक ही बात हो रही है, -2 से गुना करिए या फिर उसको ऐड कीजिए तो वही माइनस में ही आएगा सब कुछ, तो यहां पे हमने किया तो देखा कि हमने यहां पे पा ले रहे हैं कि ये हमें 7 से विभाजित है, पता चल जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 13 पे, ठीक है, 7 से हम लोग क्या देख सकते हैं, दो चीजें नियम देखा हमने कि 5 का नियम और -2 का नियम,
है ना, सात वाले में। लेकिन अब 13 से अगर बोल दें कि कोई संख्या विभाजित है या नहीं, हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये देखना है। ठीक है दोस्तों, 13 में तो ऑलरेडी दो डिजिट है यहां पे। ओके सर, 13 में दो डिजिट ऑलरेडी है, इसमें किसी को गुना करने की जरूरत नहीं, स्टेप पहला हटा देंगे यहां से। यहां पे हमने क्या किया, लास्ट डिजिट को लिया 3 को, 3 में किसी संख्या से गुना करें और 1 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो अगर मान लीजिए 0 रखा हमने यहां पे, तो ये हमारा 1 ही आएगा। फिर उसके बाद देखा कि 1 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं है, छोड़ दिया इसको, ये ठीक है नहीं होगा। 3 का अगर हम लोग वैल्यू 1 के साथ गुना करें और 1 जोड़े तो 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है 4 आया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4 भी हमारा 13 से डिविजिबल है क्या, नहीं है सर, भूल जाइए। आगे चलते हैं, 3 के बाद हमने 2 से गुना किया और 1 ऐड किया, 3 दूना 6 और 1 7, 7 क्या डिविजिबल है क्या 13 से, नहीं है भैया। आगे चलते हैं, 3 का 3 से गुना करा हमने, 1 का रखा, तो 3 3 9 और 1 10, 10 भी हमारा डिविजिबल नहीं है भाई 13 से। चलिए आगे खोजते रहिए खोजते रहिए, 3 से 4 का गुना, और ये याद रखिएगा, ये 7 का नियम है याद रखिएगा, है ना, ट्रिक वहां निकालने मत बैठ जाइएगा, मैंने आपको बेसिक बता दिया है, यहां भी बेसिक बता रहा हूं और ट्रिक बता दूंगा, तो ट्रिक याद रखना आपको, ठीक है। 3 का 4 से गुना किया और 1 जोड़ा तो हमारा क्या है, 3 चौके 12 और 1 13, अरे वाह, यहां पे हमें मिल गया कि जहां पे मिल गया वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो हमें क्या मिल गया कि 4 से गुना किया, x का वैल्यू 4 रखा और 1 जोड़ा तो हमें 13 मिल गया, और 13 जो है वो 13 से डिविजिबल है। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, तो समझिए कि अब ये 4 का नियम यहां पे लड़ने वाला है 13 से विभाजिकता को चेक करने के लिए। भाई मेरे यहां पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं, अब बताना है कि ये संख्या क्या 13 से विभाजित है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, आप चेक कीजिए खुद से एक बार। मैंने बोला कि अंतिम संख्या में 4 से गुना करो और उस संख्या को उसके बाद वाले संख्या में ऐड कर दो, तो यहां पे 6 और 4 10, 3 1 4 4 6 और 7, अभी भी नहीं पता चल रहा है भैया कि यहां पे ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 13 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे अब यहां पे। अब देखिए 0 है तो सब तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, यहां पे इसको हटा ही दीजिए, 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, है ना, वो तो मतलब है नहीं, तो यहां पे इसको हटा दीजिए। मैंने क्या किया कि 4 से अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, और इसको यहां पे ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई आया तो 16 आया ना, 16 ऐड कर दिया हमने यहां पे। तो देखिएगा 6 4 10 6 1 7 और 1 8 और ये 7, 780। तो आपको तो पता होगा ना कि 13 6 78 होता है, तो ये तो संख्या जो है डिविजिबल हो गया 13 से, तो ये भी संख्या आपका 13 से विभाजित होगा। देखेंगे यहां पे कि 17 से विभाजिकता के नियम, है ना, ध्यान से देखिएगा, 17 में ऑलरेडी दो डिजिट है यहां पे, तो इसमें हमें किसी को गुना करके दो डिजिट में करने की जरूरत नहीं है। तो 17 में हमने क्या देखा कि दो डिजिट है, तो आखिरी डिजिट हमारा जो 7 है, 7 में किस संख्या से हम गुना करें कि और 1 जोड़ें कि वो 17 से डिवाइड हो जाए, तो ये अगर 0 रखा हमने तो ये 1 आया, तो 1 तो 17 से डिवाइडेड होगा नहीं, ठीक है। यहां पे देखा कि 17 में 1 रखा, 7 में 1 से गुना किया और 1 जोड़ा तो 7 एकम 7 और 1 8, 8 हो गया, ये भी नहीं डिवाइड होगा हमारा। 7 गुने 2 किया और 1 जोड़ा तो 7 गुना 14 और 1 15 आया सर, ये भी हमारा 17 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा 7 का गुना हम लोग 3 से किए और 1 जोड़े तो 7 3 21 और 1 22 आया सर, ये भी हमारा डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये प्रोसेस कब तक करेंगे, ये प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूं अभी यहां पे, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि 7 का गुना जब 12वें बार करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो संख्या आएगा वो 85 आएगा, 12 से 84 और 1 85, और 85 जो है ये पूर्णतः विभाजित होता है 17 से, ठीक है, 17 से 17 5 85 कट जाएगा। तो जो हमारा यहां पे नियम बना, यानी कि जो ट्रिक बना, वो इसका 12वां नियम बना, यानी कि जो 17 से तभी विभाजित होगा जब कोई संख्या, जैसे कि एक क्वेश्चन है एग्जांपल लीजिएगा, ठीक है 96 56, कि क्या ये संख्या 17 से विभाजित है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम गुना करेंगे 12 से, 12 6 72, इसको छोड़ दीजिएगा और यहां पे ऐड कर दीजिएगा, 5 2 7 7 6 13 9 1 10, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये 12 से विभाजित होगा कि नहीं, फिर हमने क्या किया कि 12 से गुना कर दिया तो 12 7 84, तो 84 यहां पे ऐड कर दिया, 4 3 7 8 और 1,
अब तो पता चल ही गया ना कि भैया ये 17 से विभाजित होगा हमारा, बिल्कुल 17 कहीं 17 और 17 कहीं 17, 11 बार में डिविजिबल होगा, फिर भी नहीं पता चलता तो एक बार और गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे 12 से 84 हो जाएगा और इसको ऐड कर दीजिएगा, 8 4 12 और 8 1 9 1 10, तो 17 के पहाड़ा में 102 आता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया 17 6 6 बार में कट जाएगा 17 से, तो यानी कि ये जब डिविजिबल है ये संख्या, तो हमारा ये संख्या भी विभाजित होगा 17 से। तो 17 से विभाजित करने का जो नियम है वो 12 है, 13 से जो विभाजित करने का नियम है वो 4 है, 7 का जो विभाजित करने का नियम है 5 है, और माइनस 2 है, ठीक है, दो बार इसका नियम बना है, ठीक है। तो दो नियम है इसके विभाजित करने का, तो ये आप देख रहे हैं कि चीजों को कैसे निकाल रहे हम लोग, कि कैसे विभाजिता के नियम हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें आप सीख पा रहे हैं। तो क्या आप 19 का 23 का नहीं निकाल सकते हैं? चलो एक 19 का भी निकाल के दिखा देते हैं आपको कि 19 का विभाजिकता का नियम क्या है। देखिए बहुत सिंपल से और मैं बहुत बेसिक से बताता हूं चीजों को, और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये शायद कहीं ना कहीं आपकी एकेडमिक का प्रॉब्लम है, क्योंकि 19 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, टेबल्स सारे, ठीक है, अगर नहीं याद है आप लोगों को तो ये आपकी गलती है भाई, ठीक है। 19 से विभाजिकता का नियम, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 19 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, कोई एक संख्या लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन है कि 96 55 ही ले लीजिए, 96 56 ही ले लीजिए, ठीक है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था कि क्या ये संख्या 19 से विभाजित है, तो चेक करते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो हमारा क्या है कि 19 है, यहाँ पे आखिरी डिजिट क्या है, 9 है सर, 9 में हम वो कौन सी संख्या से गुना करें और एक जोड़े कि वो संख्या हमारा पता चल जाए कि विभाजित है या नहीं, ठीक है, 19 से। तो 0 रखा तो ये 1 है, तो 1 तो विभाजित होगा नहीं 19 से, ठीक है, 9 में 1 से गुना किया और 1 जोड़ा, तो 9 1 10, 10 भी हमारा विभाजित नहीं है 19 से, 9 में 2 से गुना किया और 1 जोड़ा, तो 9 2 18 और 1 19, अरे ये क्या, यहां तो बहुत जल्दी मिल गया, ठीक है। तो 19 जो है 19 से तो विभाजित होगा ही, तो यानी कि यहाँ पे नियम किसका लगेगा, 2 का, 7 में नियम लगा था माइनस 2 का, लेकिन 19 में लगा है प्लस 2 का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा संख्या दिया गया है, बोला गया है कि 17 से 19 से विभाजित है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे आखिरी संख्या से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये आएगा 6 2 12, तो हमें 12 को यहाँ पे ऐड कर देना है भाई, तो 5 2 7, 6 1 8 और 1 9। अभी भी भैया हमें नहीं पता चल रहा कि ये 19 से विभाजित होगा कि नहीं, एक बार फिर से हम गुना कर देंगे, इसमें कितना आसान नियम है, 7 2 14, इसको ऐड कर दीजिए भाई, 14 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 8 4 12, एक संख्या को छोड़कर उसके बाद ऐड करना, क्योंकि इससे हम लोग गुना कर रहे हैं, 8 4 12 9 1 10। अभी भी पता नहीं चल रहा कि हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 19 के पहाड़ा में तो 102 आता नहीं है, एक बार फिर से गुना कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4 2 2 4, तो ये 4 होमवर्क कर दिए, तो 10 और 4 14, तो 14 आ गया, 19 से छोटा संख्या आ गया, तो जब ये संख्या डिविजिबल नहीं हो रहा है, शेष बची जा रहा है, तो ये संख्या भी हमारा 19 से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा ये, ठीक है। पहला ऐसा क्वेश्चन आया जो कि मैंने आपको दिया यहाँ पे, जो नहीं हुआ, कुछ एग्जाम्पल और रहेंगे, ये क्वेश्चन बोझ पूछेगा सर, हाँ या ना में पूछेगा, वहां पे एक नंबर में, या फिर किसी भी मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल में दे देगा कि है या नहीं है, तो आपको बोलना है कि नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ 19 से जो कि विभाजित हो जाए, उस पर चेक करते हैं। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि 109 और 763, ठीक है। अब बोला जाए कि क्या ये संख्या 19 से विभाजित है, 19 से डिविजिबल है, विभाजिकता का नियम लगाइए यहाँ पे। जी हाँ, आपने क्या बताया कि 2 है भैया, 19 का विभाजिकता का नियम क्या है, 2 है, 2 से गुना कर दिया मैंने यहाँ पे, और 6 आया तो 6 को यहाँ पे ऐड कर दिया, 6 6 12 7 1 8 9 0 1, अभी भी पता नहीं चल रहा हमें कि 19 विभाजित है कि नहीं, फिर से गुना कर दिया भैया, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 जोड़ा, 8 4 12 9 1 10 और 1, ठीक है। अभी भी नहीं पता चल रहा कि 19 विभाजित है कि नहीं, एक बार फिर से गुना कर दिया और क्या किया, 4 आया तो यहाँ पे 4 जोड़ दिया। अब तो पता चल ही गया होगा कि 114 जो है ये 19 के पहाड़े में, यानी कि 19 के टेबल में आता है, यानी कि 19 का जो अगर आप टेबल देखेंगे तो 114 आता ही है आपको वहां पे, तो ये जो है संख्या हमारा 19 से विभाजित होगा,
ठीक है, ये क्या कहता है हमारा कि 19 से विभाजित होगा। तो हमने देखा 7 से विभाजित, 13 से विभाजित, 17 से और 19 से विभाजित तक के नियम। तो आप 23 का भी निकाल सकते हैं, उसी तरह 31 का भी निकाल सकते हैं, उसी तरह 61 का भी निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या आ जाए उससे हम विभाजिकता के नियम निकाल लेंगे और हम देख लेंगे कि किससे विभाजित हो रहा है, तो उस संख्या का नियम हमको याद रखना चाहिए। लेकिन कम से कम इतना याद रखिएगा, कम से कम है ना, ये कम से कम इतना याद रखिएगा तो सारी चीज बनेगा। चलो 23 वाला भी बता ही देता हूं आपको यहाँ पे। कोई भी चीजें आसान बनाने का तरीका होता है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, चीजें सिखा रहा हूं, बस आपको क्या करना है इन सब चीजों को सीखते जाना है। ठीक है, अब देखिएगा 23 का। ठीक है, 23 का भी बहुत आसान है, ये क्या नियम कहता है यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद कोई भी संख्या आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, जो नियम मैं बताता जा रहा हूं। लेकिन इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर सिंगल संख्या है तो उसको डबल कर दे रहे थे, ठीक है, यही कर रहे थे ना। 7 था तो उसको 7 से गुना करके 14 किए पहले, फिर उसके बाद हम लोग उसके नियम लगाए और पता किए कि किससे विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें पता चला कि 5 से और -2 से ये विभाजित हो रहा था संख्या। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास संख्या है 23 है तो हमारा जो अंतिम डिजिट है वो 23 में क्या है, 3 है सर। ठीक, 3 है, तो 3 में हम कैसी संख्या से गुना करेंगे और उसमें क्या जुड़ेंगे अब, तो अब 2 जोड़ेंगे, अब 2 जोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा संख्या 1 मिल रहा था दहाई अंक। यहां पे हम क्या करेंगे, अब दहाई अंक 2 है तो हम यहां पे 2 जोड़ के निकालेंगे। चीजों को आसान बनाना है ना, तो ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, ये मेथड है सारे के सारे। तो देखिएगा, अगर 0 रखते हैं यहां पे तो 3 का 0 से 0 और ये 2 आएगा जो कि विभाजित नहीं होगा 23 से। फिर उसके बाद 3 का गुना हम करेंगे 1 से, 2 जोड़ेंगे, 3 का 3 और 2 5 होता है, अभी भी विभाजित नहीं हो रहा 23 से। 3 का गुना हम करेंगे 2 से और 2 जोड़ देंगे, 3 दुना 6 और 2 7 हो जाएगा, 3 दुना 6 और 2 8 हो जाएगा, ये भी विभाजित नहीं होता है। इसके बाद 3 का गुना करेंगे 3 से, 2 जोड़ेंगे, 3 9 और 2 9 और 2 11 होता भैया, ये भी हमारा 2 23 से विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद हम निकालें कि 3 का गुना 4 करके 2 जोड़ें तो 4 के 12 और 2 14 आया, ये भी हमारा विभाजित नहीं हो रहा भैया 23 से। उसके बाद 3 का गुना 5 से किया, 2 जोड़ा तो 5 के 15 2 17, ये भी हमारा विभाजित नहीं हो रहा है। आखिर कब तक जाएगा ये, कब तक जाएंगे आप, इसको भी लेके चलिए 6 18 और 2 20 ही हो रहा है, ये भी नहीं हुआ भैया। लेकिन यहां पे जैसे ही 3 का पहाड़ा आप 7 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 7 3 21 और 2 23, हमें क्या मिला कि 23 जो है डिविजिबल है खुद की संख्या 23 से। यानी कि हमारा जो 23 का नियम बना वो क्या बना, इंपॉर्टेंट बताया किस लिए, कि 7 से। देखिए इसलिए 7 से हुआ यहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संख्या यहां पे जी हाँ क्या है, अब 2 आ गई है। उसी तरह जब संख्या 3 आ जाएगी तो यहां पे हम 3 जोड़ेंगे तब निकालेंगे, तब पता चलेगा कि वो संख्या विभाजित है या नहीं है। ओके, तो हमें पता चला 7 से है भाई। तो एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या ये संख्या 23 से विभाजित है या नहीं है। 33 97 1 ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या यह संख्या 23 से विभाजित हो रहा है। तो आप देखिए, चेक कीजिए, सिंपल सा है, 7 से गुना किया हमने इसके इकाई अंक में, 7 से गुना किया हमने तो हमें क्या मिला, 7 और 7 को हमने ऐड कर दिया, 7 7 14, 9 1 10, 3 3 1 4 हो जाएगा ना, 9 1 10 3 1 4 और ये 3, अभी भी हमें नहीं पता चल रहा कि ये 23 से डिविजिबल है या नहीं। इसको हमने 7 से फिर से गुना किया तो 7 4 28 और 28 यहां ऐड कर दिया, इसको छोड़ देना है जिसमें गुना कर रहा है उसको छोड़ देना है, 8 4 2 6 और ये 3, अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है। वैसे तो ये पता चल जाएगा कि कट रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, 7 से फिर गुना कीजिए क्योंकि 7 का ही नियम हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। तो 8 7 56 56 को हमने ऐड कर दिया, 6 6 12 5 3 8 9, तो हम क्या देख रहे हैं, 92 जो है वो 23 के पहाड़े में आता है, यानी कि 23 के टेबल में आता है और ये 23 से क्या है, डिविजिबल है। 23 4 देख लीजिए, 23 × 4 करेंगे तो 4 3 12 4 2 8 9 92, 23 4 92, तो ये हमारा 23 से डिविजिबल है। यानी कि ये जो संख्या है ये भी हमारा 23 से डिविजिबल होगा। ये सारे नियम थे, और अगर आप जब 31 का निकालेंगे या 41 का निकालेंगे या 51 का निकालेंगे या 61 का निकालेंगे या 63 का निकालेंगे, किसी का भी निकालना हो तो बस यहां पे ध्यान रखना है कि जो आपका दहाई संख्या है वही यहां पे जोड़ना है।
ठीक है, वही जोड़ना है। और हमने यहां पे क्या किया, यहां पे टू 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 जोड़ा, तो जब 31 का निकालेंगे तो यहां पे 3333 करके जोड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो उसके अंतिम संख्या में एक एक करके हम गुना करके चेक करेंगे कि कब वो 31 से डिविजिबल होगा। जैसे ही पता चलेगा कि हमारा संख्या वो इससे डिविजिबल होगा तो ये हमारा नियम बन जाएगा, यानी कि 23 से विभाजिकता का नियम क्या है कि उसके 7 से मल्टीप्लीकेशन करो उस संख्या में जो संख्या दी हुई है निकालने के लिए, और उसमें एड करते जाओ। जहां आपको छोटी संख्या मिलती है वहां पे आपको पता लगता है कि क्या है, कि आपका डिविजिबल है या नहीं है, पता लग गया। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि हमारे पास सारा जो नियम है विभाजिकता का हम लोगों ने देख लिया। यहां पे किसी भी संख्या का आप लोग निकाल सकते हैं, अब कोई यहां पे शिकायत नहीं होगी कि आपको किसी भी संख्या का विभाजिकता का नियम निकालने आता है या नहीं आता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करके शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में भी, और रोज सुबह के 11 बजे ये वीडियो आपको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग नंबर दीजिएगा, वो आपको सॉल्यूशन करके आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम हमारा है दोस्तों @education_की86, यहां पे आप लोग जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में उसको आसानी से आसानी तरीके से सुलझाया जा सके, वो हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये पता चल सके, ओके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।